हमारे साथ कोलकाता से कुंतल चक्रवर्ती और हुबली से मनोज्ञा लोहिवाल लाइव जुड़ी हुई हैं। हुबली में प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी होनी है। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी समर्थक राहुल चक्रवर्ती और बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश। मैं रुख करना चाहूंगी मनोज्ञा लोहिवाल का। मनोज्ञा बंगाल की राजनीति पर बहुत करीब से नजर रखे हुई है। मनोज्ञा, आज अर्जुन सिंह ने एक वीडियो जारी किया है और उसके बाद कुछ कागज भी जारी किए हैं। आपने वो ट्वीट देखा भी होगा जिसमें वीडियो ये कहता है कि जो अभिषेक बैनर्जी हैं वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी तो थाई रेजिडेंट है, यानी थाईलैंड की नागरिक है, पर वो जो MIN नंबर और जो PIN नंबर वो सब तो कह रहा है कि वो भारतीय नागरिक है। इस पर क्या डिटेल आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। एक और अभिषेक बनर्जी ने इससे पहले भी कहा है कि वो भारत की नागरिक नहीं है, उनकी धर्मपत्नी। ऐसे में अब बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है, अगर नागरिक नहीं है तो फिर पूरा ब्यौरा दें और अपने बाकी सारे दस्तावेज पेश करें, और अगर भारत में रह रही हैं तो NRI के दर्जे पर हैं या फिर PIA या किस दर्जे पर हैं वो भी साबित करें। लेकिन इन सब के बीच में अभी तक मनोज्ञा मैं आपको रोक रही हूँ, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे अपने दर्शकों को बतानी है। बीजेपी ने अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा के नागरिकता को लेकर सवाल उठा दिया है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का कहना है कि जब रुजिरा बैनर्जी के पास थाईलैंड का पासपोर्ट है तो फिर वो सरकारी वेबसाइट में उनकी नागरिकता भारतीयता क्यों बताई जा रही है। बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अर्जुन सिंह ने वो वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें अभिषेक बैनर्जी अपनी पत्नी के थाई नागरिक होने की पुष्टि कर रहे हैं। जैसा कि सवाल भी मैंने मनोज्ञा से उठाया था कि क्योंकि अब बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह ने ये वीडियो भी ट्वीट कर दिया है जिसमें अभिषेक बैनर्जी का दावा है कि उनकी पत्नी रुजिरा जो है वो थाईलैंड की नागरिक है। साथ ही अर्जुन सिंह ने वो दस्तावेज भी पेश कर दिए हैं जिससे ये साफ होता है कि उनकी नागरिकता यानी रुजिरा की जो नागरिकता है वो भारतीय है। तो ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। मनोज्ञा मेरे साथ लगातार बनी हुई है। मनोज्ञा अपनी बात पूरी कीजिए। ये बात है 2 वर्ष पहले की, जब उन्हें वहां पर गिरफ्तारी के लिए बात सवाल उठ रहे थे रुजिरा के खिलाफ, जो वो थाईलैंड से लौटी थी और उनके पास काफी सारा सोना पाया गया था और उस पर जब जांच बैठी थी उस पर कई सवाल उठे थे। तृणमूल कांग्रेस का आरोप था क्योंकि चुनाव का समय है 2019 के आसपास, उस समय मनोज्ञा मैं क्षमा चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ। अर्जुन सिंह जो कि बैरकपुर से सांसद भी हैं और जिन्होंने ये सनसनीखेज आज ट्वीट कर सीधा हमला बोला है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अर्जुन सिंह जी, आपका ट्वीट आज हमने देखा, बीजेपी हमलावर है, ये ऐसा आरोप TMC का है कि आप उन्हें डरा नहीं सकते, क्या डिटेल आपके पास? देखिए वो क्या कहते हैं उससे मैं नहीं जान सकता हूँ, वो तो राजनीति की वक्तव्य है। लेकिन मैंने जो वक्तव्य दिया है, जो ट्वीट किया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी जो है वो बचपन से वो थाई नागरिक है और उन्हीं की पत्नी जब थाई नागरिक है और जब यहाँ कंपनी में डायरेक्टर बन रही हैं, कंपनी खरीद रही हैं या कंपनी में बिजनेस कर रही हैं, तो वो शो कर रही है कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ। तो ये दो तरह का सिटीजन कहाँ हो सकता है, और उसमें भी इनके पिताजी का नाम दो अलग अलग नाम है, तो ये कहाँ संभव है। थाईलैंड में क्या है कि वहाँ भी ये जो सिस्टम है कि वहाँ के जो मरे हुए लोग हैं उनकी आइडेंटिटी वहाँ के कुछ जो इलीगल लोग उसको बेच देते हैं, और इसी तरह का आइडेंटिटी इन लोगों ने खरीदा है ताकि वहाँ के बैंकों में सीधे जो वहाँ के नागरिक होते हैं उनको अधिकार है कि वो कैश रुपया भी जमा कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी जो है उसी की ये कराई गई थी, और जिसमें अभिषेक बनर्जी की पत्नी को वहाँ का नागरिक बनाया गया था। तो ये पुराने आप नाम देखिएगा, उनके फादर का नाम देखिएगा, तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई। अर्जुन सिंह जी आप बने रहिए क्योंकि आपने एक वीडियो भी ट्वीट किया है और मैं चाहती हूं कि मैं अपने दर्शकों को वो वीडियो जरूर सुनवाऊं कि अभिषेक बैनर्जी अपनी पत्नी की नागरिकता को लेकर क्या दावा कर रहे हैं। वीडियो सुन लेते हैं। আমার বউ জন্মগত থেকে জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট এই না যে 5 বছর আগে থেকে হয়েছে from the last 34 years she is holding thai passport. What is the problem? मेरे साथ अर्जुन सिंह जी जो कि सांसद हैं बीजेपी के वो लगातार बने हुए हैं। अर्जुन सिंह जी, इस ट्वीट के टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है, ये पूरी जांच जो है वो पिछले साल सितंबर अक्टूबर से शुरू हुई थी, नवंबर में गति पकड़ी थी, अब अचानक क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री के ऊपर मानहानि का दावा किया गया है अभिषेक बैनर्जी के द्वारा, इसलिए ये सब आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, ऐसा TMC का कहना है। देखिए TMC कुछ भी कह सकती है, TMC की पुलिस तो ये नहीं है, ये सेंट्रल एजेंसी है और बिना तथ्य के आधार, बिना तथ्य का
ये कोई काम या कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। इनका एक अपना ये जो इंक्वायरी करने का समझने का सब अलग थ्योरी होती है जो बेस करता है कोर्ट के आदेश को, और हर चीज कोर्ट के आदेश से यहाँ किया जाता है। तो हमारे ये जो मैंने कहा है वो एकदम उनके बयान के आधार पर मैंने उन पर एक किया है, और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस पर भी मैं बहुत सारी जानकारी मेरे पास इकट्ठा मैंने किया था, और इकट्ठा करके जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत ही दायित्वपूर्ण रूप से मैं इस बात को कह रहा हूँ। ये पूरा फेक सिस्टम को बनाकर और ये पैसा वहाँ ट्रांसफर करने का, उनको थाई नागरिक बनाने का, ये पूरा पूरी अभिषेक बनर्जी का चक्रांत है। जो यहाँ से जितने भी इलीगल पैसे आ रहे हैं वो सब वहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। आप देखे होंगे कोयला वाले इनकी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर भी किए हैं, बहुत सारी बातें हैं। और इसको अभी तो राजनीतिक रूप दिया ही जाएगा। भारतवर्ष में एक बहुत आसान सा वर्ड यूज होता है कि ये राजनीतिक विद्वेष के चलते इनके ऊपर ये किया जा रहा है, ऐसा होता है इसमें कुछ नहीं। जी अर्जुन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला और अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। इस समय ट्वीट भी हम लगातार दिखा रहे हैं, वीडियोस भी हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं जो कि अर्जुन सिंह ने हमारे साथ शेयर किए हैं एबीपी न्यूज के साथ अपने ट्वीट के जरिए। मैं मनोज्ञा का रुख करना चाहूंगी। मनोज्ञा, आपने सुन लिया अर्जुन सिंह को, क्या कहेंगी आप? देखिए, इसमें दो बातें साफ हैं। तृणमूल कांग्रेस में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अर्जुन सिंह बखूबी जानते हैं। पूर्व तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, इस समय बीजेपी से सांसद हैं, बैरकपुर से दिनेश त्रिवेदी को इन्होंने हराया था। और लगातार जो सबसे बड़े अधिकारी कर्मचारी और पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं, उन सबसे जुड़े हुए रहे हैं। इसलिए अर्जुन सिंह जो कह रहे हैं उसमें कितना दम है, इसे तो पहले आगे प्रूव किया जाएगा और उन एजेंसीज को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहेगा। और इस समय ये सारी बातें बार बार बीजेपी उठा रही है। उन्होंने एक बात बड़ी दिलचस्प कही कि ये ममता बनर्जी की पुलिस नहीं है, ये केंद्र की पुलिस है। तो क्या ये बीजेपी की पुलिस है या इसे राजनीतिक रंग आने वाले दिनों में दे दिया जाएगा? बिल्कुल मनोज्ञा, और ये आरोप तो टीएमसी के द्वारा लगातार दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा दिखाकर हमारे नेताओं को तोड़ा जा रहा है, और इस तरीके की कार्यवाही से टीएमसी नहीं डरेगी। कुंतल चक्रवर्ती भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कुंतल, आप वहां पर मौजूद हैं कोलकाता में, टीएमसी का क्या रिएक्शन है ये जो अर्जुन सिंह ने इस समय ये वीडियो जारी किया है और ये पेपर्स जारी किए? देखिए, टीएमसी से अभी तो बात नहीं हो पाई है, कुछ ही देर पहले की खबर है, लेकिन इसमें और एक बात हो सकती है। बात ऐसा है कि अभिषेक बैनर्जी जब उन्होंने कहा था कि 34 सालों से थाई पासपोर्ट उनकी पत्नी के नाम है, उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे 2 साल निकल गया, क्या 2 सालों में अभिषेक बैनर्जी की पत्नी भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया, इससे पहले किस स्टेटस में थे, ये सारा चीज़ देखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर टीएमसी से बात हो पाएगी, अभिषेक से बात हो पाएगा, या फिर ये देखना ज़रूरी है कि वो नागरिकता के लिए अप्लाई किया तो नागरिकता उनको 6 महीने में भी मिल सकता है। तो 2 साल पुराना वीडियो, उसके बीच में जो टाइम फ्रेम है, गैप है, उसमें क्या हुआ? मेरे साथ प्रकाश सिन्हा भी है जो सीबीआई या बीट का हर खबर रखते हैं और सबसे पहले खबर पहुँचाते हैं। प्रकाश भाई, ये बताइए, यहाँ यही कुछ ही देर बाद अभिषेक बैनर्जी की बहन की पत्नी की बहन को यहाँ इंटरोगेट करने के लिए पहुँच सकती है सीबीआई की टीम, क्या खबर है आपको? देखिए, सीबीआई की टीम 10:15 निज़ाम पैलेस से निकलेगी और ठीक यहाँ 11:05 बाकी होगा तब पहुँचेगी। 11 बजे कमोबेश पूछताछ शुरू होगी। और सीबीआई के अधिकारी जो दावा कर रहे हैं कि कल शाम को जब सीबीआई की टीम यहाँ पहुँची थी उस वक्त उनकी मुलाकात अभिषेक बैनर्जी की जो साली हैं उनसे हुई थी, वो उस वक्त फ्लैट में ही थी, और उनसे बातचीत के बाद ही ये समय जो है मुकर्रर किया गया है और कहा गया है कि वो उस वक्त फ्लैट में है। क्यों पूछताछ करना चाहती है सीबीआई अभिषेक बैनर्जी की साली मेनका गंभीर को? सीबीआई के अधिकारी जो बता रहे हैं कि कोयला तस्करी का मामला जो है पिछले नवम्बर महीने के बाद से, 27 नवम्बर को FIR हुआ था, उसके बाद से जाँच हो रही है। इस मामले में जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो कई कोयला जो माफिया थे उनके घरों पर छापेमारी की गई, वहां से दस्तावेज बरामद किए गए, डायरी निकले, और उन्हीं सूत्रों को पकड़ के जब सीबीआई की जांच आगे बढ़ी तभी 2 बैंक अकाउंट, एक बैंकॉक का बैंक अकाउंट, दूसरा लंदन में एक बैंक अकाउंट है जहां भारी मात्रा में, भारी संख्या में, भारी रकम ट्रांसफ़र की गई है। और सीबीआई का दावा है कि उस बैंक अकाउंट, लंदन में जो बैंक अकाउंट है उसके साथ कहीं ना कहीं लिंक है इनका, जहां आज पूछताछ होनी है अभिषेक बैनर्जी की
बीवी की जो बहन है, तो उनसे पूछताछ उसी मामले में। शोभना, आप सुन सकते हैं कि बंगाल की राजनीति अब बैंकॉक और लंदन की उड़ान भी भर रही है, तो यहाँ तक बंगाल की राजनीति में कि गलियारों में दो शब्द अभी घूम रही है, कोलकाता में कोयला और कोकेन, और वहां से बंगाल की राजनीति फिलहाल बैंकॉक और लंदन की उड़ान भी भर रही है। बड़ी खबर बंगाल से, जहां पर अभिषेक बैनर्जी की पत्नी को लेकर पूरा विवाद है, और अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि उनकी पत्नी तो थाई नागरिक है, ये बैरकपुर से सांसद है बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। वीडियो भी सुनवाया अभिषेक बैनर्जी का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि थाई नागरिक है, लेकिन जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं उससे ये साफ है कि वो भारतीय नागरिक हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, राहुल चक्रवर्ती जी टीएमसी के और गुरु प्रकाश जी बीजेपी के हैं। मैं राहुल चक्रवर्ती का रुख करना चाहूंगी। राहुल चक्रवर्ती, क्या जवाब? मैं माफी चाहती हूँ, मेरे पास गलत जानकारी थी। नहीं नहीं, हो सकता है। अच्छा, पहले तो मैं ये डिबेट शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा सीबीआई वाला मामला हो रहा है, इसके दो पहलू हैं। एक है अनुक्रम और समय, और दूसरा है पॉलिटिकल मुद्दा। तो अनुक्रम जो है, 5 दिन पहले अमित शाह जी को एक समन भेजा गया एमएलए एमपी कोर्ट से उनको हाजिरी के लिए। 3 दिन पहले उनके स्टेट के युवा मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी कोकेन के साथ पकड़ी गई पामेला गोस्वामी, और उन्होंने नाम लिया कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह का। और आज और कल आप देख रहे हैं कि सीबीआई ने नोटिस भेज दिया अभिषेक बैनर्जी को। तो इससे तो सवाल होगा ही ना कि ऐसे समय पे क्यों नोटिस आ रहा है जब जांच चल रही है 2 सालों से। ये पहला मुद्दा। दूसरा है मैडम पॉलिटिकल मुद्दा। इन आज के डेट में इस भारत का कोई भी निवासी जब पेट्रोल पंप जाता है तो वो बीजेपी को अपशब्द बोलना चालू कर देता है। और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आज रात 12 बजे से 1 रुपया पेट्रोल और डीजल के दाम पे रिबेट दे रही है। तो मुद्दा आप देखिए मैडम। दूसरा, उनके वो लोग इतना दिन धर्म के नाम पे उनका पार्टी चलता है, वो भी अभी नहीं चल सकता क्योंकि दिलीप घोष ने खुद माँ दुर्गा और प्रभु राम का अपमान किया है। तो उनके पास वो धर्म का मुद्दा भी नहीं है, ना उनके पास कोई काम का मुद्दा है क्योंकि उन्होंने 7 साल में सिर्फ 3 मूर्तियां बनाई हैं। और यहाँ पर हम फ्री रेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और फ्री इंश्योरेंस। दत्ता जी, आपने बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त गिना दी, लेकिन जो सवाल मेरा था, जिस पे सीधा सीधा आरोप अर्जुन सिंह लगा रहे हैं, उसको लेकर आपके पास कोई फैक्ट चेक नहीं है, कोई तथ्य आप मेरे सामने नहीं रख पाए। बीजेपी की जो कमियां हैं वो तो उस पर बाद में होगी। नहीं, मैं तथ्य अर्जुन सिंह पे तथ्य दे देता हूँ। अर्जुन सिंह जो अभी बीजेपी के सांसद है, वो खुद सीबीआई प्रोब में 12 करोड़ के स्कैम में, कॉर्पोरेशन बैंक के स्कैम में अभी इन्वेस्टिगेटेड हो रहे हैं। उनके साले जी जो है वो अभी भी जेल के अंदर है। और रहा बात रुजिरा बैनर्जी का, तो आपने अभी बताया कि उनके दस्तावेज ये प्रमाण करती है कि वो भारतीय नागरिक है। और आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा आपके पास सारे तथ्य क्लियर हो जाएंगे। ये अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सीबीआई ईडी ये सब करके हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। गुरु प्रकाश जी, पार्टी को तोड़ने की। ठीक है दत्ता साहब, गुरु प्रकाश जी, टाइमिंग पर सवाल, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर मानहानि का दावा किया गया अभिषेक बैनर्जी के द्वारा, इसीलिए ये सब कुछ, ऐसा आरोप आपने सुनी लिया, जवाब? देखिए शोभना जी, ऐसा है कि जितना एनर्जी ये टीएमसी के नेता हम लोगों के ऊपर फोकस करते हैं, यदि इतनी चिंता इन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता की होती तो शायद पश्चिम बंगाल की जनता पुनर्विचार करती कि इनको दूसरा मौका देना है कि नहीं देना है। देखिए, पूरी की पूरी टीएमसी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ओतप्रोत है। नारदा, सारदा, अम्फन, राशन, अब कोल स्कैम, तमाम ऐसे स्कैम है जहां पे टीएमसी के बड़े बड़े नेता अभियुक्त बने हुए हैं। रिजू भाई यहां बैठे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2019 में यही रुजू इराजी थी, 2 किलो सोना के साथ गिरफ्तार हुई थी, अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, एयरपोर्ट से भाग गई, तब कहां था आपका नैतिकता? यही रुजीरा जी हैं जो लाला जो हैं अभियुक्त कोल स्कैम में, लाला अपने अकाउंट्स इनको पैसा भेजते हैं, कौन जवाब देगा? भाई पश्चिम बंगाल की सरकार ने तो इतनी हद कर दी है। अभी अम्फन का मामला चल रहा था शोभना जी कलकत्ता के हाईकोर्ट में, पश्चिम बंगाल की सरकार ये दस्तावेज देती है कि भाई सीएजी इसकी इंक्वायरी ना करे। भाई चोर की दाढ़ी में तिनका हम सब जानते हैं, यदि आप लोग इतने पाक साफ हैं, यदि आप लोग इतने स्पष्ट हैं, तो इंक्वायरी से किस बात का डरना? सीबीआई तो केंद्रीय एजेंसी है, ईडी केंद्रीय एजेंसी है, सीएजी केंद्रीय एजेंसी है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों की दाढ़ी में तिनका है, आप लोगों को डर है, आप लोग जितनी एनर्जी हम लोगों पर लगा रहे हैं, मैं आपको राय दे रहा हूं, पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता करिए, मत आऊंगी। बंगाल के सियासी घमासान पर बड़ी बहस लगातार जारी है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश और टीएमसी समर्थक
रिजु दत्ता मौजूद है, दो दो सहयोगी भी मेरे इस समय फील्ड में मौजूद है। मैं टीएमसी समर्थक रिजु दत्ता का रुख करना चाहूंगी। रिजु दत्ता, मैं जानना चाहूंगी रुजिरा बैनर्जी थाईलैंड की नागरिक है या भारत की नागरिक? देखिए टीएमसी के प्रवक्ता है रिजु दत्ता जी, देखिए दस्तावेज जब आएंगे रुजिरा बैनर्जी जी का तो वो तो आपके सामने और सीबीआई के सामने भी आ जाएगा। पर मैं गुरु प्रकाश जी ने बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए हैं, तो मैं एक चीज आपसे भी पूछना चाहता हूँ शोभना जी। ये जो बीजेपी, वो मेरे मित्र भी है, पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं और बीजेपी है, ये लोग ही जज बने बैठे हैं। ये लोग बोल रहे हैं लाला के अकाउंट से पैसा गया है, तो मतलब क्या या तो ये सीएबी में काम करते हैं, सीबीआई है, या इनको सारा चीज पता है? क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही लाला को जानते हैं जिससे हम बिस्किट खरीदते हैं मैडम, तो हमको तो नहीं पता ये लोग को पक्षे कहाँ से मिलता है। इन्होंने कहा शारदा नारदा, शारदा नारदा जब 2015-16 में हुआ था वो अभी भी उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है, और उस टाइम वोट भी था बंगाल में, और बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को 211 विधानसभा सीटें दी थी। ये है दूसरा। तीसरा बात, इन्होंने कहा कि जन जागरण हुआ है बंगाल में, बीजेपी इतनी जोर शोर से आगे बढ़ रही है, तो मैं उनको इतना बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि झाड़ग्राम में नड्डा जी भाग गए थे क्योंकि लोग नहीं हुआ था, और इनकी रथ यात्रा भी नदिया और बसीरात में रुक। चलिए अब जवाब ले लेने दीजिए गुरु प्रकाश जी, ये ईडी सीबीआई जिस तरीके की जांच कर रही है वो डिटेल्स आपके पास कैसे मौजूद है? आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है ना सर। शोभना जी, ऐसा है कि इस देश में नई परिपाटी शुरू हो गई है। जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो संवैधानिक संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ चले जाए, सुप्रीम कोर्ट खराब है, आप चुनाव हार जाइए तो चुनाव आयोग तक खराब है। देखिए रिजु भाई, आपको मैं धन्यवाद करूंगा कि आज पश्चिम बंगाल में खासकर कलकत्ता की जनता को नावपाड़ा से लेकर के दक्षिणेश्वर तक जो नया मेट्रो लाइन मिलने वाला है उसके लिए आप लोग को बहुत सुविधा होगी। इसीलिए आप लोग अगर काम पे ध्यान दिए होते, विकास पे ध्यान दिए होते, तो आज ये स्थिति नहीं हुई होती। मानव तस्करी में पश्चिम बंगाल नंबर एक। आप लोग सोशियो इकोनॉमिक डेटा शेयर नहीं करते हम लोगों के साथ में। जहां तक राजनीति की बात है, टीएमसी में और भी तो काबिल नेता हैं। क्या अकेले दीदी हैं? क्या अकेले अभिषेक बनर्जी है? जो भतीजा बचाओ आंदोलन, जन कल्याण नहीं भतीजा कल्याण पे आप लोग जवाब दीजिए ना गुरु प्रकाश, ये जानकारी आपके पास कैसे मौजूद है? किस खाते में कितने ट्रांसफर हुए, कहां कहां किस किस देश में ये खाते मौजूद है, मैं ये जानना चाहती हूँ। टू द पॉइंट क्वेश्चन, टू द पॉइंट आंसर दीजिए, ये जानकारी आपके पास कैसे? शोभना जी, हाँ नहीं, टू द पॉइंट एलिगेशंस हैं, ये आरोप हैं, ये हर अखबार में हैं, और ये एलिगेशंस को टेस्ट करना निश्चित रूप से सीबीआई का काम है। सीबीआई अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, आरोपों के आधार पर बोल रहा था। आज इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी आई है, हर अखबार में स्टोरी आई है, उस आधार पर मैं अपनी बात को कह रहा हूँ। एलिगेशंस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोर्ट हूँ या जुडिशियल प्रोसेस अपना काम कर रही है, लेकिन कोर्ट पे निष्ठा भी तो होनी चाहिए ना। कोर्ट पे निष्ठा ही नहीं है आप लोगों की, ईडी पे निष्ठा ही नहीं है आप लोगों की, सीबीआई पे निष्ठा ही नहीं आप लोगों की, तो समस्या इस बात से है। मनोज्ञा, आप दोनों ही पक्षों को सुन रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है, और ये जमीन से लेकर पूरे जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये जारी रहने वाला है। आपका क्या अपडेट है इस खबर पर? मनोज्ञा की आवाज, मनोज्ञा की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश चाहूंगी जी जी, बड़ी सीधी सी बात है, मनोज्ञा एक बार फिर से अपनी बात शुरू करें, आपका ऑडियो नहीं आया था मुझे। कहीं तो आग लगी होगी। बड़ी सीधी सी बात यह है कि कहीं तो आग लगी होगी, जो धुआं दूर दूर तक आ रहा है। इसमें तृणमूल कांग्रेस भी है और बीजेपी है, और आपका सवाल बिल्कुल सही था कि बीजेपी को इतनी जानकारी कहां से होती है, और तृणमूल कांग्रेस के पास हर बार एक नया जवाब और तर्क या कुतर्क क्यों तैयार होता है। अब इन सब के बीच में जब ये सवाल और जवाब चल रहे हैं तो जनता ये जानना चाहती है कि जो काम एजेंसीज का है वो नेता क्यों कर रहे हैं, और अगर नेता कर रहे हैं तो क्या एजेंसीज उन्हें पहले बता रही हैं या उनके आधार पर काम कर रही हैं। आप दोनों ने अभी तक, ये पहली बार नहीं है, जब सीबीआई गई थी राजीव कुमार के घर पर तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 फरवरी 2019 को धरने पे बैठ गई थी, और उसके बाद लगातार ये एपिसोड चलते रहे हैं। अब अगर सीबीआई बार बार नोटिस भेज रही है और कह रही है कि हमें मुलाकात करनी है और जानकारी देनी है, तो जानकारी देने में हर्ज क्या है? उसमें सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एजेंसी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, तो जो कह रहे हैं वो ही कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। मैं अब रिजु दत्ता जी आपका रुख करना चाहूंगी। आपने मनोज्ञा को भी सुन लिया, गुरु प्रकाश को भी आपने सुन लिया। ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, मानहानि का दावा, इसमें कहीं जो बंगाल की जनता के असली मुद्दे वो पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं?
मैंने मैडम मैंने शोभना जी मैंने तो इसीलिए पर शुरुआत में ही कहा था कि बंगाल की जनता को तो टीएमसी के साथ ही उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको फ्री राशन, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है, उनको इन मुद्दों से क्या दिक्कत है। पर उनको वो ये देख के हैरान है कि किस हद तक बीजेपी गिर चुका है। आप एक चीज सोचिए, मनोज जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने सबसे सही चीज को पकड़ा था अर्जुन सिंह का कि ये ममता का पुलिस नहीं है, तो क्या ये मोदी का पुलिस है? उन्होंने अभी राजीव कुमार जी का जिक्र किया। आपको ये भी पता होना चाहिए जब 2019 में राजीव कुमार जी को सीबीआई ने ऐसे फांसने की कोशिश की थी, तब भी जनरल इलेक्शन था इस देश में और तब भी बीजेपी कंटेस्ट कर रही थी टीएमसी के साथ बंगाल में ताकि उनका थोड़ा बेस बन पाए। तो ये जो समय है, ये जो सीक्वेंस है, ये जो अनुक्रम है, ये सबको पता चल रहा है। लेकिन एक एक सवाल तो उठेगा ना रिजु दत्ता, जब आप सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करते हैं, उसको केंद्र की एजेंसी कहते हैं, तो क्या आप उन तमाम अधिकारियों का, उस एजेंसी का अपमान नहीं करते हैं? देखिए, हमें देश की कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, हम कानून का सम्मान करते हैं। पर मैं मैडम ये भी कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के, ये सिर्फ बंगाल में नहीं, इस देश के किसी भी प्रदेश में इलेक्शन के एक महीने या 7 दिन पहले ही क्यों सीबीआई ऑपोजिशन को पकड़ने जाती है, ये तो सवाल आम जनता भी कर रही है ना। और दूसरा चीज, हम देखिए, हम जुडिशियरी का भी सम्मान करते हैं, हर कोर्ट को भी सम्मान करते हैं, बट अगर हमारे जजेस जो एक जजेस हो गए जो अभी पोस्ट पे नहीं है, वो उनको भी अगर संसद राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा किसी पार्टी से, तब भी तो आम जनता सवाल करेगी ना। ठीक है, आम जनता का आवाज तो आप रोक नहीं सकते। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रिजुरा बैनर्जी कल सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में सीबीआई के सामने पेश होंगी। ये जानकारी रिजुरा बैनर्जी की तरफ से आई है। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, क्या अपडेट इस खबर पर? रुजिरा बैनर्जी कल तैयार हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई से पूछताछ, जो पूछताछ करना चाहती है सीबीआई उनके साथ, उनके अकाउंट्स, उनके डिटेल्स और बाकी सारी चीजों के बारे में, उसके लिए तैयार हैं। कल 11 से 3 का समय दे दिया है और कह दिया है नोटिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कि मैं इस तफ्तीश में शामिल होंगी। ये बड़ी बात है क्योंकि अब तक आरोप लगाए जा रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन हो सकता है, और इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए रुजिरा ने चिट्ठी लिखकर ये साफ कर दिया है कि कल इन्वेस्टिगेशन के लिए वो तैयार है, पूछताछ के लिए तैयार है सीबीआई द्वारा। मनोज्ञा, बहन मेनका के ऊपर भी ये शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है, उनको भी नोटिस जारी किया गया था, उसको लेकर कोई जानकारी? नहीं, आज अभी 11 बजे उनके साथ सीबीआई मुलाकात करेगी, उनके घर जाएगी, उसके बाद वहां पूछताछ करेगी, उसके बाद अगला चरण उसका निश्चित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बातें हैं क्योंकि जो दोनों परिवार हैं, दोनों परिवार के पीछे जो सीबीआई बार बार सवालों का जखीरा लेकर चल रही है, उसमें जवाब क्या आएगा ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि वो बंगाल की राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जो भी आरोप लगे हैं उनके निजी जिंदगी पर कभी नहीं लगे हैं। ये पहला मौका होगा जब ममता बनर्जी के परिवार के किसी सदस्य पर, यानी कि उनके खुद के बहुरानी कह लीजिए, अब क्योंकि भतीजे की बीवी बहुरानी ही हुई, और इन सब के बीच में ये पहला मौका होगा जब इस तरह के पर्सनल सवाल, खास तौर से फाइनेंशियल जिसे कहेंगे आप, वित्तीय मामले में इस तरह की पूछताछ। मनोज्ञा, एक और बड़ी खबर आ रही है, ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम की बेटी को ईडी का सम्मन, मेट्रो डेयरी घोटाले को लेकर ये सम्मन दिया गया है। तो ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम की बेटी को ईडी का नोटिस, अभिषेक बैनर्जी उनकी पत्नी को नोटिस, उनकी साली को नोटिस। मनोज्ञा, ये हो क्या रहा है? अचानक सारे घोटालों में जांच में बड़ी तेजी दिखाई दे रही है। देखिए, ईडी कई वर्षों से काम कर रही है लेकिन ऐसा लग रहा है आजकल ओवर टाइम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह से बार बार बंगाल में एक के बाद एक नोटिस दिए जा रहे हैं, एक के बाद एक मंत्रियों को, इसके पीछे राजनीतिक मंशा है कि नहीं, ये सवाल जरूर खड़ा होगा। टाइमिंग जिसे कहते हैं, समय सारणी क्यों ऐसी होती है जिस पर सवाल उठेगा इस बार की, बार बार इसी समय सारे नेताओं की याद क्यों आ रही है और सारे घोटाले इस समय क्यों खुल रहे हैं, ये खुल रहे हैं या खोले जा रहे हैं? 2018 के मामले में जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह को समन गया, उसके बाद मान लीजिए एक और दौर चल चुका है, इस समय एक के बाद एक नोटिस का, और ये नया प्रकरण है, मैं ये कहूंगी कि ये नया अध्याय शुरू हो गया है बंगाल की राजनीति का। बिल्कुल मनोज्ञा, आप बनी रही है हमारे साथ, और जैसा कि मनोज्ञा लगातार कह रही है कि लगता है कि ईडी और सीबीआई जो है वो ओवरटाइम कर रही है, और इसीलिए एक के बाद एक
टीएमसी के नेताओं को ईडी और सीबीआई के द्वारा समन किया जा रहा है, जो जांच उनके खिलाफ चल रही है। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक टीएमसी के नेताओं के रिश्तेदारों तक ईडी और सीबीआई के समन पहुंचने लगे हैं। गुरु प्रकाश जी मेरे साथ बीजेपी के नेता है, रिजु दत्ता जो है वो टीएमसी के प्रवक्ता है, मनोज्ञा मेरी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गुरु प्रकाश जी, जैसा कि अभी मनोज्ञा ने भी जिक्र किया, ईडी और सीबीआई के अधिकारी क्या ओवरटाइम करने लगे हैं? अचानक बड़ी तेजी चुस्ती दुरुस्ती दिखाई दे रही है, जब से गृह मंत्री अमित शाह को मानहानि का दावा पेश किया गया है उनके खिलाफ। नहीं देखिए, कुछ कुछ प्रदेशों में ओवरटाइम करने की आवश्यकता होती है, जहां पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं होती है, अचानक चुनाव से पहले ये बढ़ जाती है जरूरत। सिंडिकेट टैक्स, कट टैक्स, एक्सटॉर्शन मनी, जिस भी राज्य में चुनाव हो वहां ईडी सीबीआई की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है और तेजी दिखने लगती है। आपका प्रश्न पूरा हो गया तो मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल दे दें, बिल्कुल दे दें, बिल्कुल मेरी आज्ञा है, दे दें आप जवाब। नहीं, जरा ध्यानपूर्वक सुनिए अब। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, कुछ प्रदेशों में जहां पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं होती है, पश्चिम बंगाल में एक्सटॉर्शन होता है, किसी से छुपा हुआ है क्या? आप कलकत्ता में नया दुकान खोलना चाहती हैं, पश्चिम बंगाल में कोई नया वेंचर शुरू करना चाहती हैं, एक्सटॉर्शन किसको देना पड़ता है? अब आखिरकार कब तक ये परिपाटी चलती रहेगी? मैं सुन रहा था अभी अपने टीएमसी के प्रवक्ता की बातें, वो कह रहे थे कि मेरी केंद्रीय संस्थानों में निष्ठा है। अरे, आपकी केंद्रीय संस्थानों में इतनी निष्ठा है तो सीएजी के खिलाफ आप लोग हाईकोर्ट में क्यों गए थे? डिविजन बेंच पे चले गए हैं आप कि जो अम्फन की जांच है वो सीएजी ना करे। यदि आप लोगों को इतना ही डर लगा हुआ है तो सीएजी से आप क्यों डर रहे हैं? आपको जांच करवाना चाहिए। और बार बार मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं, 2019 में भी यही पश्चिम बंगाल की जनता थी। हम में और आप में वोट प्रतिशत का अंतर मात्र 4% का था। हमारे 18 सांसद पश्चिम बंगाल की जनता ने ही भेजा है, इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता पर भरोसा रखिए। दिक्कत ये कि आप लोग जवाब दे दीजिए, गुरु प्रकाश का जवाब लेने दीजिए, जवाब नहीं आ रहा है। आप लोग हिंसा कर रहे हैं, उनका खत्म हो गया। देखिए शोभना जी, पहले तो मैं आपकी दाद देना चाहता हूँ, आपका और आपके चैनल का, कि आप ऐसे सख्त सख्त सवाल पूछ रहे हैं। पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये लोग अभी पत्रकारों को भी बिहार भेजने लग गए, तो गला घोटने का इनका पुराना आदत है। अब दूसरा आया इनका सीएजी वाला बात से, जब केंद्रीय सरकार का कोई भी फंड प्रदेश में आता है उसका ऑडिट सीएजी करता है, इसमें तो कोई नया बात नहीं है। हम लोग कोर्ट में इसलिए गए थे कि अगर जो चीज नॉर्मल प्रोसेस पे होता है उस पे आप क्यों फिर से नया कोर्ट ऑर्डर दे रहे हैं, ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और सीएजी से जब बात उठ रहा है ना, तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मुर्मू जी कौन है, जो मोदी जी के सेक्रेटरी थे गुजरात में, फिर जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपा गया था, फिर रातों रात उनको तब्दील किया गया था सीएजी जनरल के तौर पे, ताकि रफाल का घोटाला छुपाया जा सके। तो ये सब सवालें आती रहेंगी अगर बीजेपी हमें खड़ोती। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज्ञा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ABP News, आपको रखे आगे।